शहरी निकायों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ टोंक में जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने परिवार की मुखिया महिलाओं को जॉब कार्ड भी वितरित किए। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे भी वितरित किए गए। साले मोहम्मद ने कहा कि इस योजना से निर्धन असहाय लोगों को सरकार 100 दिन रोजगार देगी। राज्य सरकार इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें 43,000 परिवारों से सवा दो लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उन्हें जॉब कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए कार्य भी चिन्हित हो चुके हैं। वहीं कार्यक्रम में टोंक नगर परिषद की लापरवाही भी देखने को मिली। कार्यक्रम में दूर दूर से आए आमजन को पीने का पानी भी मुहैया नहीं कराया गया। गर्मी में लोग परेशान होते दिखाई दिए, जिसके चलते लोगों में रोष भी दिखा। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी योजना, तो आपने देखा होगा कि 2006 के अंदर जब देश के अंदर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई, उसी तर्ज पर शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग उनको रोजगार मिले। जब पिछले बजट के अंदर 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है, तो आज इस योजना की पूरे राजस्थान के अंदर शुरुआत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि लगभग पूरे राजस्थान के अंदर 800 करोड़ रुपये इसमें खर्च होंगे और 100 दिन का जो रोजगार जो है उसकी गारंटी सरकार दे रही है। ताकि जो आपने देखा कि कोविड के अंदर कई ऐसे परिवार थे शहरों के अंदर, गाँव में तो नरेगा योजना थी, लोगों को वहाँ रोजगार मिल रहा था, पर शहरों के अंदर कोई योजना नहीं थी। कल कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो लोगों को काफी